डॉक्टर शिव यहाँ आइए। अपना स्कूल नहीं जा सकते। क्यों? मेरे पास यूनिफॉर्म नहीं थी इसलिए ना। लेकिन देखो ना, मंदिरा चाची ने मुझे न्यू यूनिफॉर्म दी है। पापा ये देखो न्यू बैग भी दी है, और दादी ये देखो न्यू वाटर बॉटल भी दी है। हाँ डॉक्टर शिव, लेकिन आप फिर भी नहीं जा सकते। क्यों नहीं? मुझे जाना है बड़ी के साथ, स्कूल जाना है। बेटा तुम्हारा एडमिशन नहीं हुआ है ना स्कूल में, इसलिए तुम नहीं जा सकते। शिव तुम्हें स्कूल जाने की क्या जरूरत है? अरे घर पे इंतजाम कर देते ना तुम्हारे पढ़ने का, बेस्ट ट्यूटर बुलाएंगे, तुम्हें सब सिखा देगा। हाँ हम है ना, हम आपकी टीचर बन जाएंगे। नो 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 नो, मुझे मुझे स्कूल जाना है, मुझे बड़ी के साथ स्कूल जाना है। बड़ी चल। डॉक्टर शिव नहीं, डॉक्टर शिव आप नहीं जा सकते। और कार्तिक का एग्जाम है, प्लीज प्लीज आप उसे जाने दीजिए। ओके नहीं, मैं स्कूल जाऊंगा, मैं जाऊंगा बड़ी के साथ स्कूल। में क्यों नहीं जा सकता स्कूल? अगर कार्तिक स्कूल जा सकता है तो मैं भी स्कूल जा सकता हूँ, मुझे भी एग्जाम देनी है। बड़ी होते हैं साथ रहते हैं, बड़ी साथ ही जाते हैं साथ ही आते हैं, मैं भी जाऊंगा स्कूल, मैं भी एग्जाम दूंगा। डॉक्टर शिव आप समझने की कोशिश कीजिए ना। मासी मेरा एग्जाम। मेरा भी। कार्तिक का एग्जाम है, वो मिस नहीं कर सकता। आप एक काम कीजिए, आप कल से चले जाइएगा। ओके नहीं, मैं मुझे अभी जाना है, मैं अभी जाऊंगा। तुम झूठी और लायर हो, तुम मुझे कल भी नहीं जाने दोगे। मुझे डॉक्टर शिव हमने कहा ना कि आप नहीं जा सकते, अब और जिद की ना तो एक लगा देंगे आपको। अपने कमरे में जाइए। पापा जी एक काम कीजिए, आप कार्तिक को स्कूल तक ड्रॉप कर दीजिए ना, बस तो उसकी कब की मिस हो गई होगी। चिंता मत कर बेटा, मैं छोड़ देता हूँ। चलो कार्तिक चलो चलो, तुम्हारा एग्जाम मिस हो जाएगा वरना। हाँ बेटा। क्या भोलेनाथ, क्या कर दिया हमने? ऐसे समय पर जब डॉक्टर शिव को एक्स्ट्रा लव, एक्स्ट्रा केयर की जरूरत है, हमने उन्हें ही डांट दिया। तूने कुछ भी गलत नहीं किया, वही किया जो एक संगिनी करती है। तुम्हें याद है ना तूने सुबह क्या कहा था? भोजेशु माता, शायनेशु रंभा, रूपेशु लक्ष्मी, शम्येशु धरित्री, सत्कर्म नारी, कुल धर्मा पत्नी, कार्येशु दासी, कारणेशु मंत्री, भोजनेशु माता, शयनेशु रंभा, रूपेशु लक्ष्मी, क्षमाशु धरात्री, सत्तरम नारी कुलधरम। एक औरत एक पत्नी अपने पति की जिंदगी में बहुत सारे रोल निभाती है, और तुमने आज मां का रोल निभाया। एक अच्छी मां जब बच्चा उसका कोई सही काम करता है तो उसकी बड़ी सराहना करती है, लेकिन जब बच्चा गलत काम करता है तो उसके लिए उसे थोड़ा डांट भी देती है। तो एक अच्छी माँ बच्चों को बहुत सारा प्यार देती है, पर चुटकी भर डांट भी देती है साथ में।
सो इतना पछताने वाली कोई बात नहीं है, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया, चिंता मत कर। तुम लोग बस एक दूसरे के पीठ थपथपाते रहो, तुम लोग को तो आइडिया भी नहीं है कि मैंने तुम्हारे पीठ पे छुरा नहीं, तलवार भोंकने की पूरी तैयारी कर ली है। शिव बेटा, तुम रो रहे हो बच्चा? चाची देखो ना, उसने मुझे स्कूल भी जाने नहीं दिया, मैं रेडी भी था, ऊपर से उसने मुझे डांटा भी, पता है मुझे हिट करने वाली थी। मत रो बच्चा, मत रो। नहीं, मैंने तो स्कूल यूनिफॉर्म भी पहनी थी जो आपने लाई थी, वाटर बॉटल भी पहनी थी। उसने मुझे नहीं जाने दिया, बड़ी चला गया, एग्जाम भी देगा, मैं कुछ नहीं कर रहा। कोई नहीं बेटा, रोना मत, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ, आंख बंद करो। हाँ, अब खोल। वाह बटरफ्लाई, बेटा इस वक्त तुम्हारी जिंदगी भी ना इस बटरफ्लाई के जैसे हो गई है, डब्बे में बंद। चाची से बाहर निकालो, वो मर जाएगी। चाची बाहर निकालो, वो मर जाएगी। बेटा इसे भी उसी लड़की ने बंद किया जिसने तुम्हें इस घर में बंद करके रखा है। चाची उसे बाहर निकालो, वो मर जाएगी। देखो मर गई। बेटा कहीं ऐसा ना हो कि तुम भी इस घर में बंद रह रहे के बड़बड़ा के मर जाओ। वो मुझे मारना चाहती है। अब तुम्हारे पास एक ही रास्ता है अपने आप को आजाद करने का, इस घर से आजादी, इस पिंजरे से आजादी।